और फिर करूँगा मे बी कल एडिट, परसों डाल दूंगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड आज मैं आया हूँ दिल्ली नेहरू प्लेस सोलो विद सोलू। यहाँ पे आज मैं जाने वाला हूँ पंडाल देखने, जो नवरात्रि चल रहे हैं तो मैंने फर्स्ट फास्ट भी रखा था एंड मैं लास्ट फास्ट रखूँगा, तो आई थॉट एक बार पंडाल देख लिया जाता है। यहाँ पे सुना है बंगाली मार्केट लगता है बहुत बड़ा, तो वहीं चलेंगे। अभी आया हूँ, दिल्ली पहुँचा हूँ और यहाँ पे अपने दोस्त के रूम पे हूँ, अकेला ही हूँ और अकेला ही जाऊँगा। तो दैट्स व्हाई इसका टाइटल भी होगा व्लॉग का, सोलो ट्रैवल विद सोलू। तो स्टे ट्यून। से निकल के मैं पहुंच तो गया हूँ, आवाज़ भी आ रही है, अभी देखते हैं आगे। बस सीरियसली यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब तो यहाँ पे पैदल है गली के अंदर, पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे। यहाँ से लाइटिंग तो स्टार्ट हो चुकी है। और एक सजेशन, अगर दुर्गा पूजा में आना है और इसमें अगर ट्रैफिक नहीं देखना है तो एटलीस्ट 5 o'clock और 5:30 में यहाँ तक तो पहुँच जाएँ एटलीस्ट, तो तुम्हें ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मैं एड्रेस इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली डाल दूंगा और मैं आके दिखाऊंगा फिर। थैंक्स, लव यू। तो यार हम यहाँ पे आ तो गए हैं और यहाँ पे चल रहा है बहुत अच्छा। कहाँ पे ये सारा स्टॉल हो गया, सब ये स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पे और वहाँ पे पंडाल। पुलिस की व्यवस्था है यहाँ पे काफ़ी, आज भीड़ तो नहीं है बट हाँ ट्रैफिक मिलेगा ये पक्का है बाहर पे। वो अमेजोन में मिलता है, मैं उसको लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका। और आई टेस्टेड वन, तो वो सोया कुछ चाप कुछ तो था यार सोया का बना के, और वो उसमें चिकन का हाँ टेस्ट उसमें आ रहा था, क्रिस्पीनेस था चिकन का, थोड़ा फ्लेवर था बट वो प्योर वेज था। तो अगर किसी को चिकन छोड़ना है या शुद्ध शाकाहारी बनना है विद द टेस्ट ऑफ चिकन के साथ, तो उसको आप प्रेफर कर सकते हो। उसमें चिकन बिरयानी थी जो कि प्योर वेज थी, उसमें मटन था, मटन बिरयानी थी और आई थिंक मटन कुछ कोरमा कुछ समथिंग था जो कि प्योर वेज था, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। उसमें था प्योर वेज लिखा हुआ था, तो आई चेक्ड ऑन अमेजोन ऑल्सो। दिस फूड स्टॉल बहुत सारे, आप सारे पास पास आ जाइए। का फुल प्रचार कौन क्या को यार, शोर और बजा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। वो चल रहा है जी का प्रचार, ये है सारे ब्रांड्स का प्रचार। लव द वाइब्स। तो एक पंडाल के बाद जा रहा हूँ मैं दूसरे पंडाल पे, वहाँ का भी देख लेते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं, एटलीस्ट थोड़ा सा कैप्चर कर लेंगे। ये सेकंड पंडाल जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा बसड़ है। और इसका स्पेस भी थोड़ा कम है तो इसमें ज़्यादा वो है रश। Thank you.
वैसे मुझे एक पुलिस वाले ने बताया यहाँ पे हर ब्लॉक में एक पंडाल लगता है, तो आफ्टर टू पंडाल्स मैं जा रहा हूँ थर्ड वाले पे। और वैसे भी दोस्तों आया नहीं है रूम पे अभी, तो अपनी ऑफिस में ही है, तो उसको आने में एक दो घंटा बाकी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा भसड़ है ट्रैफिक का, इट्स फाइन, हर उसमें कुछ नया मिल रहा है और वो यहाँ पर दिखाएंगे। और ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट वन है जो अभी तक मैं गया हूँ। तो यार पूरे टोटल 5 पंडाल देखने के बाद अब जा रहा हूँ कुछ खाने, उसके बाद जाऊँगा रूम और फिर करूँगा मे बी कल एडिट, परसों डाल दूँगा थिंकिंग सो, बट ऐसा होगा नहीं। आई एम वेरी प्रिटी श्योर कि मैं इतना मेहनती तो हूँ नहीं जो ऐसा कर लूँगा, तो देखते कब आएगा, पर आएगा जल्दी। तो यार गाइस फाइनली इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और ये काइंड ऑफ धार्मिक ब्लॉग था जिसमें बहुत आई थिंक 5 पंडाल देखे एंड आई गेस 4 वॉज द बेस्ट वन। और थोड़ा सा सामान शॉपिंग किया था नॉर्मल अपनी बहन के लिए किया था, एक छोटी बहन के लिए, कज़न के लिए, और एक दो कज़न के लिए किया था, तो छोटी बहन के लिए शॉपिंग किया था, दिखा नहीं पाया क्योंकि एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो ज़्यादा हो नहीं पाया, फ़ोन से था तो नहीं कर पाया यार, ऊपर से अकेला था तो अमल चलता है। ठीक है भाई, मिलते हैं यार नेक्स्ट व्लॉग में, एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड स्टे ट्यून्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।